जी मैं अगेन आपका वेलकम करता हूँ हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में। ये जूम ऐप के जरिए आपने लाइव हमारी क्लासेस ली है या ले रहे हैं, तो आप जो है इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। ये जूम ऐप जिसके जरिए आप क्लासेस अभी ले रहे हैं, इस ऐप की मदद आप हमारी क्लासेस को लाइव देख सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, वीडियो की तरह जैसे यूट्यूब पे चलता है। देखिए YouTube पे तो आप रिकॉर्डेड देखते हैं, बट ये हमारी लाइव है, और लाइव में ये हमारी टेलीकास्ट नहीं है, लाइव हमारी कन्वर्सेशन है जिसमें आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट है, ठीक है। और आप सेशन को कर ठीक है, सकते हैं, तो आपको रिकॉर्ड करने के लिए बस अपने कीबोर्ड का अल्ट प्लस आर प्रेस करना है, अल्ट प्लस आर। अब आपका सेशन रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, रिकॉर्डिंग का सिंबल भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये आफ्टर द क्लास ये रिकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, जूम फोल्डर में आपके पास डेट्स के फोल्डर्स बनेंगे इस तरह से, और इसके अंदर ये आपका जूम नाम ओके सेव हो जाएगा। तीसरा से डिजिटल नोट हो ओके गया, मतलब कि आपको हर एक क्लास की वीडियो स्टोर करने की जरूरत नहीं है, नहीं राइट सर? राइट क्लास की वीडियो स्टोर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और मैंने अभी वेबकैम चालू कर दी है, तो आप मुझे देख भी रहे होंगे, ठीक हाँ जी है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा ऑप्शन है उस पे जानते हैं कि इस क्लास को अपने सेलफोन पे भी और अपने लैपटॉप किसी भी मीडियम किसी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, ओके। इस सब पे चलता है, और इसमें आपको आपको जो मैंने मेल भेजा था के अंदर में लास्ट में जो 9 डिजिट की आईडी होती है, आईडी आपको हर दिन क्लास के लिए चाहिए होगी। दिक्कत होगा तो आप मुझे ओके करके नई आईडी दे सकते ओके हैं, ओके ओके। अब ओके इसमें आगे बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। ये तो हमारा सॉफ्टवेयर का इंट्रो हो गया। क्या होता है सर कि किसी क्लासरूम में ट्रेनिंग लेने जाते, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साथ से ही ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं, और शुरुआत में 2000 बहुत मैं दो तीन चार चार से चार पांच 5 साल से ऊपर मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि इंडिया हर जगह पे था नहीं। ऑनलाइन क्लासेस को लोग यूट्यूब से कंपेयर करते थे कि जस्ट यूट्यूब में से रिकॉर्डिंग देखते हैं, वही ऑनलाइन क्लासेस में भी होगा, या वीडियो उस समय वीडियो क्लासेस चलते थे वो। लेकिन हमने ऑनलाइन, क्योंकि वीडियो क्लासेस और बाकी सब चीज को देख के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, क्योंकि मैंने क्लासेस जो स्टार्ट की है या की थी, मैंने पैसे कमाने के लिए स्टार्ट नहीं किया था। बेसिकली क्या था कि मुझे ट्यूटर बनाया गया था। मैं अभी भी रिपोर्ट कंसल्टेंट हूँ, उस समय मैं एमआईएस में काम करता था, तो मेरी एक्सेल स्किल बहुत अच्छी थी। कंपनी की जो इंटरनल ट्रेनिंग होती थी उसमें जाते थे। शुरुआत में कुछ पंद्रह दूसरी कंपनी के लोग ही मुझे बुलाने लगे, जैसे कि कोई कलीग छोड़ के किसी और कंपनी में चला गया, वहां क्लास जरूरत है, तो एनआईटी में क्लासेस लेते थे, बस वो सर्टिफाइड नहीं होते थे, तो मुझे फ्रेंड्स बुझाते थे कि मेरे पास एक है जो मैं काम क्लासेस कंपनी में ट्रेनिंग देता था, तो आप आ रही, उनको बुला लेते हैं। तो यहाँ से करियर स्टार्ट हुई थी। तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मैं किसी ट्रेनिंग सेंटर में क्लास नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता, राइट? ओके जॉब को हम नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हमने ट्रेनिंग क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट की। और ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम क्या हुई, रिकॉर्डेड, क्योंकि बाकी जो उस समय ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल थे जस्ट वो वीडियो क्लासेस थे। आप जाइए, साइन अप कीजिए, पेमेंट कीजिए और वीडियोस देखिए, बट उसमें क्या होता है कि डाउट्स क्लियर नहीं होते थे, इसलिए हमने ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास ली, जिसमें मैं पर्सनली एक दो तीन मैक्सिमम 3 to 5 का बैच चलता है हमारा, चार बच्चों को लूंगा और उसको मैं पर्सनली ट्रेन करूंगा, उनकी ऑफिशियल हर एक प्रॉब्लम को सुनूंगा, उनके अकॉर्डिंग मैं कोर्स की कंटेंट तैयार करूंगा। इसलिए मेरी जो कंटेंट आप देखेंगे अभी प्रारंभ में, वो कंटेंट जो है वो मिनिमम है, नॉट ए मैक्सिमम, क्योंकि तो वो कंटेंट आगे चल के ऐड होगी या मॉडिफाई होगी अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल, अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, जैसे आपने बीए बीकॉम बीसीए एमसीए बीटेक करते क्या सेमेस्टर निकालना है, फाइनल कोर्स निकालना है,
ये चीजें नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर और ग्रेड से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे नॉलेज से मतलब है, क्योंकि आपकी जो ए जो पढ़ने जा रहे हैं ये आपकी ऑफिशियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। मैं सही बोल रहा हूँ दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या अभी मैं आपको, मैं क्या होता है, मान लीजिए बी जैसे बीकॉम कर रहे थे, अगर आपको कोई ऑफर करता कि दूसरे सेमेस्टर या पहले सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर में यार तुम ये काम करो, आगे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो हम लोग सोच सकते थे यार तुम्हें सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि हम लोग का मोटिव यही था ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम आप सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाए, बट मूड तो बनता है कि यार चलो ले लेते, क्या बोल रहे दीपक जी? लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपको लर्निंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑफिशियल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप जितना एक्सेल पे अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना ही आप अपने ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि नौकरी सर्टिफिकेट से लग सकती है लेकिन काम सर्टिफिकेट नहीं करेगा, काम तो नॉलेज ही करेगा ना दीपक जी। चलिए बातें बहुत हुई, अब बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। तो कोर्स में जैसे कि आप अगर मेरी वेबसाइट पे गए iptindia.com, हमारी वेबसाइट है, उस पे अगर आप जाते हैं तो यहां पे मेरे कोर्सेज दिखेंगे, और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मुझे करना है VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग, दूसरा कोर्स हमारा VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग का, मैं एक वीडियो ऑफ कर देता हूं सर, दूसरा कोर्स है हमारा VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग, तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 11 मॉड्यूल्स है सर। दीपक जी आप, मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है? हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके, हाँ सर आ रही है। टोटल इसमें टोटल 11 पार्ट है, पहला पार्ट है आपका बेसिक प्रोग्रामिंग, दूसरा है आपका अप्लाई कंडीशन, तीसरा है लूप्स, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, इसके बाद आपका फंक्शन फॉर्मूला क्रिएशन, फिर आपका एडवांस फंक्शन मतलब कि उसमें तरीके वगैरह एरर वगैरह जोड़ के, उसके बाद चार्टिंग्स एंड डैशबोर्ड, रिपोर्ट ऑटोमेशन, उसके बाद पिवट ऑटोमेशन, यूजर फॉर्म, पिक्चर ऑटोमेशन एंड डेटाबेस कनेक्ट, डेटाबेस एंड अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी, इसमें आप आउटपुट वगैरह और बाकी चीजों से कनेक्ट करेंगे अपना। एक सेकंड कीजिए, सॉरी सर, तो यहाँ पे एक्टिविटी समझ गए, तो आउटलुक है, ये जो सब चीज होगी इनको कर, ये जो है ड्यूरेशन हमारा, ये जो कंटेन हमारा मिनिमम है, अगर आपको कुछ और कंटेन है जो कि मेरे इस कंटेन जो दिख रहा है आपको इस कंटेन से मिलता जुलता है और मेरे पास नहीं है इसमें और वीडियो से रिलेटेड है कुछ नया कंटेन तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 45 to 55 hours की ड्यूरेशन है, मंडे टू फ्राइडे आप 1 hour की क्लास ले सकते हैं सुबह 5 से लेकर रात के 11 के बीच में, अगर आप 2 पार्ट करते हैं तो आपको 1-to-1 लाइव क्लासेस मिल सकती है, अदरवाइज आपको 3 से 5 बच्चे बैच में होंगे, और इसमें हर क्लास की वीडियो जो कि आपके सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड दे देगा, किसी दिन आप छुट्टी पे होते हैं या किसी दिन मोबाइल फोन से ज्वाइन करते हैं तो उस दिन की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद नोट्स आर्टिकल्स पीडीएफ बुक्स वगैरह देंगे, उसके बाद एक होती है फ्री रीज्वाइनिंग। जैसे आप VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं तो क्या होगा कि आपके पास एक बार में नहीं सीख पाएंगे, कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद अगर यूज ना करें तो आप भूल जाएंगे। समझ गए, या फिर मान लीजिए कि आप पूरा नहीं, आप थोड़ा बहुत यूज कर रहे थे, आप कनेक्टिविटी भूल गए या यूजर फॉर्म भूल गए,
या आप डैशबोर्ड रिपोर्टिंग भूल गए, तो उस केस में आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट मेरे किसी रनिंग बैच में आके सीख सकते हैं, या पूरी की पूरी कोर्स, अगर कोई बैच स्टार्ट कर रहा हूं या कर चुका हूं तो उसमें आके आप पूरी की पूरी कोर्स को रिज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है सर? तो इसके कोई लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप देते हैं क्या? नहीं नहीं, जब रिज्वाइनिंग के, हां जी, इसकी कोई लिमिटेड नहीं है सर, टाइम पीरियड नहीं है कि आप 2 साल तक या 3 साल तक ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे कोई डिसाइड नहीं किया है। और ये भी डिसाइड नहीं, मेरा कहने का मतलब वो बार में कि आप 4 बार रिज्वाइन कर सकते हैं, 5 बार, अब ये होगा ना, हो सकता है मुझे 10 बार। मैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने कितने दिन तक आप रिज्वाइन कर सकते हैं या कितना बार कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट मैंने डिफाइन नहीं की है। जब तक मैं जिंदा कर सकते हैं या जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने प्रोफेशन चेंज कर दिया या फिर मैं अपना लाइफ ही चेंज कर दिया, मतलब कि यहाँ से निकल गया उधर ऊपर, तो आप थोड़ी कहेंगे कि सर चांद चले गए वापस आइए पढ़ाने के लिए। तो इसका मोटिव क्या बता दूं क्या, जैसे मैं आपको अभी जब आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अब कुछ मेरा पुराना स्टूडेंट आ जाता है तो मुझे उनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ता ना, क्योंकि आप पुराना स्टूडेंट आया ना है कुछ आपको तो पढ़ाना ही है, क्योंकि इसमें सीट की कोई लिमिटेशन तो होती नहीं है कि हाँ भाई 3 बच्चे ही ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, मैं जितना को चाहूँ उतना को ज्वाइन करवा सकता हूँ। तो आप 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक आप आ गए तो मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कि एक बैच में जगह नहीं है, मैं सुबह से शाम तक तो एक्सेल ही पढ़ाता हूँ, किसी न किसी बैच में तो होगा क्या सर, इसलिए रिज्वाइनिंग फ्री कर दिया था। रिज्वाइनिंग फ्री करने का पर्पस था कि दोबारा जब बच्चे ज्वाइन करते थे तो डिस्काउंट के लिए बड़ा मुझे फोर्स करते थे, बहुत फोर्स करते थे, और मुझे बहुत टाइम लगती थी उनको करने में, यार छोटी मैं 2000 छोड़ देता हूँ, 3000 छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी गलती थी कि मैं ऐसा सिखाया जिसको याद ना रख पाया, कि मुझे मुझे खुद गिल्टी होती था कि मैंने इनको कैसा सिखाया तो इनको याद ही नहीं हुआ, भूल गए, इसलिए ठीक है मैं रीज्वाइनिंग फ्री कर देता हूँ, आप जितना बार सीखना हो सीख लीजिए। ठीक है सर, क्योंकि मैं क्लासेस देता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है सर, समझ गए, क्योंकि जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको सीखने के लिए मैंने 6 साल मेहनत की है सर, मैं तो आपको मिल गया सिखाने के लिए कि मुझे आप ऐसा, मुझे मेरे जैसा कोई नहीं मिला सिखाने के लिए सर, बड़ी मेहनत से सीखी थी, इसलिए मैं डिलीवर करना चाहता हूँ अधिक से अधिक लोगों को। आपने मेरी वीडियोस YouTube पे देखी है दीपक जी? हाँ, मैंने 2-3 वीडियोस देखी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका इस टाइम, इसलिए मैंने उनसे कांटेक्ट नंबर आपका पूछा। 2-3 वीडियो ही देखी है सर? हाँ, अभी मैंने 2-3 देखी है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हैं IPT इंडिया, याद रखिए, मैं मोबाइल नंबर सर्च करना है, मोबाइल नंबर सर्च कर लीजिए, आपको जो है यहाँ पे देखिए 2725 वीडियो मैं अभी डाल चुका हूँ, हर दिन 8-10 वीडियो डलती है। क्या होता है ना सर, इसमें कोई अलग से वीडियो नहीं डालते, जो वीडियो आप देख रहे हो मेरे लाइव क्लासेस की वीडियो है, जिसकी ड्यूरेशन आप देख रहे होंगे 25-30 मिनट की क्लासेस होती है वीडियो जो में, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैं दिन भर में 16 क्लासेस लेता हूँ और 16 क्लासेस की में से कुछ 5-7 क्लासेस की वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। दूसरा, बच्चे प्रॉब्लम पूछते हैं मुझसे, ठीक है ना, कुछ बच्चे की प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम होती है, उसका मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, इसमें आप देखेंगे अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो। एक सेकंड, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा या फिर फोन पे मैं समझा नहीं पाया, यहाँ पे सायर सिंह एक्सेल प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? हाँ सर, 1 मिनट 1 सेकंड बस। हाँ हाँ जी, ओके। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि
ये जो हमें YouTube पे वीडियोज हैं, एक तो हमारी क्लासेस की वीडियो है, उसके अलावा क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के क्वेश्चन। मुझे क्या हुआ कि आपने फोन पे मुझसे क्वेश्चन पूछा, बट ऐसे क्वेश्चन पूछ फोन पे नहीं समझा सकता, या फिर आपने क्लास में ऐसी क्वेश्चन पूछ दिया कि वो बहुत आगे की क्वेश्चन है, अगर मैं वो आपको बताने जाऊं तो क्लास डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसी क्वेश्चन को क्या करता हूँ मैं, यूट्यूब वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डाल देता हूँ। समझ गए? तो YouTube के ऊपर मिलेगा। अभी तक मेरे 2700 काउंटिंग है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि मार्च के बीच में 5000 वीडियो पूरा हो जाएगा। फिर बच्चों की बहुत डिमांड चल रहा है, पहले तो मैं ऐसे ही शौक के से डालता था, लेकिन बच्चों की डिमांड हो गया इसलिए सर। ओके तो वहां पे YouTube वीडियो से दो चीज पता चलेगी। पहली चीज कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं क्लास में क्वेश्चन पूछने पे अग्रेसिव तो नहीं हो जाता हूँ, या क्लास में मेरे पढ़ाने का स्टाइल अलग तो नहीं है, क्या मेरे एक दो वीडियो ही ठीक है। इससे आपको 8, 10, 15, 20 वीडियो देखेंगे तो आपको इसका पता चलेगा। दूसरी चीज, आप मेरे वीडियो के कमेंट्स को देखेंगे, उससे पता चलेगा कि मेरा मेरी ट्रेनिंग सेंटर या मैं जो पढ़ाता हूँ उसकी उससे रिलेटेड चीज है। ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाने के बाद जो है क्लास पढ़ाता हूँ छोड़ देता हूँ, या फिर मैं किसी को पूरा नहीं पढ़ाता, वगैरह होते हैं निगेटिव पॉइंट जो बोल रहे हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो निगेटिव पॉइंट है तो अगर मैंने किसी और के साथ करूंगा तो मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट कमेंट तो गलत करेगा ना सर। तो उससे आपको इस चीज की वेरिफिकेशन मिल जाएगी। ओके सर, ये सब चीजें मेरे से रिलेटेड थी, कोर्स से रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं टाइमिंग के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया, सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ, इस बीच में कोई एक घंटे का फिक्स बैच ले सकते हैं। चेंज कराना चाहे तो आप मुझे कुछ दिन पहले बता देंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग चेंज हो जाती है, लेकिन आप बोलेंगे कि आज मैं ये लूंगा, मैं कल वो लूंगा क्लास, ऐसी नहीं होगी, क्योंकि ये लाइव बैच है, इसलिए एक टाइम आपको मोस्टली फिक्स रखना पड़ेगा। तो अभी आप एक बैच जानना चाहूंगा,